हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बुफे सर्विस क्या है, बुफे सर्विस कितने प्रकार का होता है, बुफे डिस्प्ले कैसे किया जाता है और बुफे सर्विस में क्या क्या चैलेंजेज होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं चार बिंदुओं पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके कि बुफे सर्विस क्या है, बुफे सर्विस कितने प्रकार का होता है, बुफे डिस्प्ले कैसे किया जाता है और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी समझ में आएगा कि बुफे सर्विस में कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बुफे सर्विस क्या है, व्हाट इज बुफे सर्विस। सो बुफे सर्विस इज बेसिकली सेल्फ सर्विस। बुफे सर्विस इज फाउंड इन द बैंक्वेट फंक्शन वे द लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज कंसर्न। इन दिस सर्विस All foods and accompaniments are displayed on the buffet counter and all the cutleries, crockeries and other condiments like quarter plates, half plates, full plates, soup bowl, soup saucer, tea cups, tea saucer and ice cream bowls, all these things are displayed on the buffet counter. So guests take their plates from the beginning of the buffet counter and either he can take the food themselves or he can request the buffet attendant standing behind the counter to serve the food and then he can enjoy their meal while standing or he can sit on the chair and tables provided by the company and enjoy their meal. तो इस तरह से बुफे सर्विस जो है बेसिकली सेल्फ सर्विस है। इस तरह का बुफे सर्विस जो है मोस्टली बैंक्वेट फंक्शन में पाए जाते हैं। इस सर्विस के अंतर्गत सारे फूड्स बुफे काउंटर में डिस्प्ले किए हुए होते हैं, साथ ही साथ जितने भी तरह के क्रोकरीज है जैसे हाफ प्लेट, फुल प्लेट, क्वार्टर प्लेट्स, सूप बाउल, सूप सॉसर, टी कप्स, टी सॉसर, ये सारे जो हैं, आइसक्रीम बाउल्स, ये सारे बुफे में ही डिस्प्ले किए हुए रहते हैं। साथ ही साथ जितने भी कटलरीज हैं, है ना, स्पून, फोक, टी स्पून, ये सारे बुफे में डिस्प्ले किए हुए होते हैं। गेस्ट खुद से प्लेट लेते हैं, इसके बाद वो या तो फिर खुद से ही बुफे से फूड ले लेते हैं या बुफे अटेंडेंट जो बुफे के पीछे खड़े होते हैं उनसे फूड सर्विस करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद फूड लेने के बाद या तो वो खड़े रह करके ही फूड खा सकते हैं या अगर वहां पे कुछ चेयर्स एंड टेबल्स प्रोवाइड किया हुआ है तो वहां चेयर्स में बैठ करके अपना मील एंजॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली यही बुफे सर्विस है ना, एक तरह का सेल्फ सर्विस है जो सारा जिसमें सारा फूड जो है वो बुफे काउंटर में ही डिस्प्ले किया हुआ रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ बुफे सर्विस, यानी कि बुफे सर्विस कितने प्रकार के होते हैं। सो देयर इज टू टाइप्स ऑफ बुफे सर्विस। फर्स्ट स्टैंड अप बुफे सर्विस एंड सेकेंड वन इज सीट डाउन बुफे सर्विस। तो बुफे सर्विस जो है बेसिकली दो तरह का होता है, स्टैंड अप बुफे सर्विस एंड सीट डाउन बुफे सर्विस। इन स्टैंड अप बुफे सर्विस गेस्ट टेक देयर प्लेट्स एंड सर्व देमसेल्फ फ्रॉम द बुफे काउंटर एंड ईट देयर फूड व्हाइल स्टैंडिंग। यानी कि प्लेट लेने के बाद गेस्ट खुद से खाना बुफे काउंटर से लेते हैं या फिर किसी सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं फूड सर्विस करने के लिए और फंक्शन एरिया में खड़े रह करके खाना खाते हैं। इसे बोलते हैं स्टैंड अप बुफे सर्विस। सेकेंड नंबर का जो है बुफे सर्विस वो है सीट डाउन बुफे सर्विस। इन सीट डाउन बुफे सर्विस गेस्ट टेक द प्लेट्स एंड सर्व देमसेल्फ फ्रॉम द बुफे काउंटर एंड ही कैन सीट ऑन द टेबल एंड चेयर्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी एंड एंजॉय देयर मील्स। तो सीट डाउन बुफे सर्विस में बेसिकली गेस्ट अपना प्लेट लेते हैं और बुफे से खाना लेने के बाद वहां पर चेयर और टेबल्स प्रोवाइडेड किया हुआ रहता है, वहां बैठ करके अपना मील एंजॉय करते हैं। तो इसके बाद जैसे ही मील कंप्लीट होता है द गेस्ट लीव्स द प्लेट्स ऑन द टेबल विच इज डेजिग्नेटेड फॉर द सॉइल प्लेट्स और ही कैन रिक्वेस्ट द सर्वर टू क्लीन द टेबल। तो कंप्लीट मील कंप्लीट होने के बाद वहां पर एक सॉइल प्लेट के लिए टेबल असाइन किया हुआ रहता है, गेस्ट या तो वहां पर जाकर के अपना सॉइल प्लेट डिपॉजिट कर देते हैं या
सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर वो सीट डाउन सर्विस है तो टेबल क्लियरेंस करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सर्वर सर्वर जो है, जो स्टीवर्स जो है, बस बॉय जो है, वो जा करके टेबल क्लियर कर देता है। तो इस तरह से जो बुफे सर्विस है वो दो तरह से होता है, स्टैंड अप बुफे सर्विस एंड सीट डाउन बुफे सर्विस। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बुफे डिस्प्ले, मतलब कि बुफे डिस्प्ले कैसे किया जाता है। सो बुफे डिस्प्ले इज डिपेंड्स ऑन द मेन्यू रेंज। अकॉर्डिंग टू मेन्यू रेंज बुफे कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज, सिंपल बुफे, स्टैंडर्ड बुफे एंड डीलक्स बुफे। तो इस तरह से जो बुफे का डिस्प्ले है वो कंप्लीटली मेन्यू के रेंज पे डिपेंड करता है ना। मेन्यू के रेंज के हिसाब से बुफे डिस्प्ले को कैटेगराइज किया गया है, सिंपल बुफे, स्टैंडर्ड बुफे एंड डीलक्स बुफे। सिंपल बुफे में मेन्यू जो है एकदम सिंपल रहेगा, है ना, जैसे कि स्टार्टर टू डेजर्ट्स, यानी कि देयर मे बी वन और टू स्टार्टर्स, वन और टू सूप्स एंड सम मेन कोर्स एंड डेजर्ट एंड टी कॉफी। मेन्यू जो है एकदम सिंपल रहेगा, है ना। तो ये बुफे बहुत एलोबरेट नहीं रहता है, सिंपल मेन्यू रहता है। इस तरह का जो सिंपल मेन्यू है विशेषकर जो प्रोफेशनल इवेंट्स हैं, प्रोफेशनल फंक्शंस हैं, इस तरह के फंक्शन में यूज में लाया जाता है। जो सेकेंड टाइप के सेकेंड कैटेगरी का जो डिस्प्ले है बुफे का वो है स्टैंडर्ड बुफे। स्टैंडर्ड बुफे में सारे जो वेराइटीज हैं वो दो से तीन वेराइटीज हो सकते हैं, सारे कोर्स के जो आइटम्स है वो दो से तीन वेराइटीज के हो सकते हैं। जैसे देर मे बी टू थ्री टाइप्स ऑफ वेलकम ड्रिंक्स, देर विल बी टू थ्री टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स एंड देर विल बी टू थ्री टाइप्स ऑफ सैलेड्स, टू थ्री टाइप्स ऑफ ओरिएंटल डिशेस, इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, देर विल बी टू थ्री टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स एंड टी कॉफी। यानी कि स्टैंडर्ड मेन्यू के अनुसार दो तीन तरह का वेलकम ड्रिंक्स हो सकता है, दो तीन तरह का स्टार्टर्स, मेन कोर्स दो तीन तरह के, उसमें क्यूजिन वाइज चाइनीज के दो तीन आइटम जो है, इंडियन के दो तीन आइटम, कॉन्टिनेंटल्स के दो तीन तरह के जो है आपका डेजर्ट्स हो सकता है, और साथ ही साथ टी कॉफी होता है। तो ये थोड़ा सा सिंपल मेन्यू से थोड़ा सा एलोबरेट रहता है, उससे थोड़ा सा बेटर होता है। ये जो बुफे है इसको थोड़ा अट्रैक्टिव ढंग से डिस्प्ले किया हुआ रहता है ना, जैसे फ्रूट कार्विंग, फ्लावर्स, ये सबसे डेकोरेट किया जाता है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया जाता है। तो बुफे डिस्प्ले में इन चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है। इफ देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मोर देन वन बुफे कुड बी डिस्प्ले। अगर कुछ जो लोगों का जो संख्या है वो ज्यादा है तो एक से ज्यादा बुफे भी डिस्प्ले किया जा सकता है, जिससे कि ओवर क्राउड जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि लोग बांट जाएंगे दो जगह में या तीन जगह में, इससे ओवर क्राउड से हम बच सकते हैं। तो इस तरह से इन छोटे छोटे चीजों को ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट टाइप का जो बुफे डिस्प्ले है वो है डिलक्स बुफे। डिलक्स बुफे डिलक्स मेन्यू रेंज के हिसाब से डिस्प्ले किया जाता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं डिलक्स मेन्यू जो होता है वो काफी एलोबरेट होता है, काफी बड़ा, काफी मेन्यू होता है ना। इसमें सारे कोर्सेस हैं या सारे क्यूजिन्स हैं उनका एक पर्टिकुलर काउंटर लगाया जाता है, जैसे कि बेवरेज सर्विस के लिए प्रॉपर बार काउंटर लगाया जाता है, ठीक है, और सूप स्टार्टर्स के लिए एक अलग से काउंटर लगाया जाता है, सैलेड के लिए एक पूरा सैलेड बार बनाया जाता है, साथ ही साथ ओरिएंटल डिशेज के लिए, चाइनीज डिशेज के लिए पूरा एक चाइनीज डिशेज का एक पूरा बुफे लगाया जाता है अलग से, साथ ही साथ चाट काउंटर के लिए पूरा एक चाट काउंटर अलग से लगाया जाता है, इंडियन डिशेस के लिए पूरा एक इंडियन बुफे लगाया जाता है। इस तरह से क्यूजिन वाइज एक कंप्लीट बुफे लगाया जाता है, और सारे बुफे में काफी सारे वेराइटीज होते हैं सारे क्यूजिन वाइज, ठीक है। तो सारे क्यूजिन वाइज सारे बुफे जो है अलग अलग सेपरेट लगाया जाता है, और काफी सारे वेराइटीज होते हैं। जहां तक डेकोरेशन की बात किया जाए तो इस जो डिलक्स बुफे को काफी अट्रैक्टिव बनाया जाता है, काफी अच्छी तरह से डेकोरेट किया जाता है, ठीक है, जैसे आइस कार्विंग से डेकोरेट किया जाता है, फ्लावर्स लगाए जाते हैं, फ्रूट कार्विंग होते हैं और बटर कार्विंग होते हैं, इस तरह तरह के जो डेकोरेटेड डेकोरेशन का जो चीजें हैं उसको यूज किया जाता है, लाइटिंग का यूज किया जाता है, और इस तरह से बुफे काउंटर को काफी अट्रैक्टिव बनाया जाता है, और मेन्यू जो है उसका रेंज वो काफी बड़ा होता है, ठीक है, बहुत ही लेविस बुफे लगा हुआ होता है। तो इसे बोलते हैं डिलक्स बुफे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो बुफे डिस्प्ले है वो मेन्यू रेंज के अनुसार तीन तरह का होता है, सिंपल बुफे,
स्टैंडर्ड बुफे एंड डीलक्स बुफे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है जिस पे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है दी चैलेंजेज ऑफ बुफे सर्विस। सो देयर इज सो मेनी चैलेंजेज इज बुफे सर्विस, ठीक है। तो काफी चैलेंजेज है बुफे सर्विस में, काफी सारे प्रॉब्लम्स है जिन पे ध्यान देना पड़ता है। तो फर्स्ट है टू कुकिंग द फूड इन राइट क्वांटिटी, यानी कि राइट क्वांटिटी में फूड प्रिपेयर करना, क्योंकि ये जो फूड का प्रिपरेशन होता है वो मिनिमम गारंटीड ऑफ पीपल के अनुसार कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि जो मिनिमम गारंटीड ऑफ पीपल होते हैं उनके 10% एक्स्ट्रा फूड बनाया जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो मिनिमम गारंटीड होते हैं उससे काफी ज्यादा गेस्ट आ जाते हैं, है ना, यानी कि गेस्ट जो बुकिंग के टाइम में जो मिनिमम गारंटीड दिया हुआ होता है उससे 2 गुना 3 गुना गेस्ट ज्यादा आ जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में खाना जो है वो घट जाता है और सर्विस का कंप्लेन आ जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मिनिमम गारंटीड से भी बहुत कम लोग आते हैं जिससे कि खाना बच जाता है और ये खाना वेस्टेज हो जाता है, ठीक है गाइस। तो टू प्रिपेयर द राइट टू प्रिपेयर द फूड इन राइट क्वांटिटी इज ए वेरी बिग चैलेंज इन बुफे सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट जो चैलेंजेज है वो है टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द फूड इन बुफे काउंटर। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बुफे काउंटर में फूड का जो टेम्परेचर है मेंटेन करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द फूड मस्ट बी मेंटेन बिटवीन 65 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बुफे में जो खाना लगा होता है उसका जो टेम्परेचर है हॉट फूड का वो 65 डिग्री से 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना ही चाहिए। और जो कोल्ड फूड है जैसे सैलेड्स हैं, कुछ डेजर्ट्स हैं, कोल्ड डेजर्ट्स हैं, उनका टेम्परेचर माइनस में होना चाहिए, वो उनका जो एरिया है वो ठंडा एरिया होना चाहिए। तो इस तरह से जो खाने का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना बुफे में ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। तो कुछ अच्छे प्रॉपर्टीज में इन ए गुड प्रॉपर्टीज दे हैव देयर ओन बुफे काउंटर फिटेड विद द सम कूलर टू मेंटेन द टेम्परेचर फॉर कोल्ड फूड एंड देयर विल बी द बुफे काउंटर अलोंग विद द फिटेड विद द इलेक्ट्रिक सैफन डिशेस वेयर द टेम्परेचर कैन बी मेंटेन बिटवीन 65 डिग्री टू 75 डिग्री। तो इस तरह से अच्छे प्रॉपर्टीज में, अच्छे बैंक्वेट फंक्शंस में, अच्छे होटल्स में बुफे काउंटर पहले से सेट किया हुआ होता है ना, जिससे कि सैलेड के लिए सलाद काउंटर, सैलेड काउंटर्स होते हैं, है ना, वहाँ पे कुछ कूलिंग फीट किया हुआ रहता है, कोल्ड सेक्शन रहता है जहाँ पे का जो टेम्परेचर है वो काफी कम रहता है, डेजर्ट काउंटर अलग से बने होते हैं जहाँ का टेम्परेचर कम रहता है, और हॉट फूड के लिए अलग से एक इलेक्ट्रिक सैफन डिशेस फीट किया हुआ अलग से काउंटर बनाया हुआ रहता है जिससे कि टेम्परेचर जो है 65 डिग्री से 75 डिग्री के बीच आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। उसमें सेट करके जो ओवर उसमें सेट कर दिया जाता है और टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। तो इस तरह से जो है बुफे सर्विस में टेम्परेचर को मेंटेन कर पाना ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट जो बुफे सर्विस के अंदर जो चैलेंजेज है वो है टू मेंटेनिंग द क्लीननेस एट ऑल ओवर द सर्विस एरिया, यानी कि जो सर्विस एरिया है वहां पे क्लीननेस को मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर काफी क्राउड हो जाता है, काफी ज्यादा लोगों का फंक्शन है, तो ऐसे सिचुएशन में क्लीननेस को मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि काफी लोग आ जाते हैं, कौन लोग किधर क्या फेंक रहा है, किधर है ना गंदगी फैला रहा है, क्या कर रहा है, तो इन सारे चीजों को मेंटेन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। नेक्स्ट जो बुफे सर्विस का एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो है रिफिलिंग द फूड ड्यूरिंग फंक्शन, यानी कि बुफे सर्विस चल रहा है उस टाइम में फूड रिफिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर इसमें अलर्टनेस नहीं होता है, लोग अगर इसमें ध्यान नहीं देते हैं पिकअप में फूड रिफिलिंग करने में, तो बहुत बार ऐसा होता है कि खाना घट जाता है, तो इससे भी कंप्लेन आ जाता है, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट में इतना सारा खाना पिकअप हो जाता है कि लास्ट में सारे फूड्स बच जाते हैं और वेस्टेज हो जाते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे जो चैलेंजेज है जो बुफे सर्विस में देखने को मिलता है। तो गाइस आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे इस चैनल में इस तरह का होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो आता रहता है।